जिसको हिंदुस्तान के कानून का राज नहीं हम कहते, वहाँ पर योगी राज चल रहा है। जो योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं, वो वही कानून है। वहाँ पर फिर कोई दूसरा कानून नहीं है। अतीक अहमद गुनहगार थे, अशरफ गुनहगार थे, उनको मारने वाले भी उतने ही गुनहगार हैं जितने के अतीक अहमद और ये थे। क्या अतीक अहमद के कातिलों का भी मुकद्दर उनके घरों पर बुलडोज़र चलना बनेगा? क्या अतीक अहमद के कातिलों को भी सरेआम जो है इस तरीके की सज़ा दी जाएगी? क्या पसे पर्दा जिन लोगों का हाथ है उन्हें भी उनके कैपरे किरदार पर इसी तरीके से पहुँचाया जाए? वो गौवंश के जानवर किसी गलत मकसद के लिए जा रहे थे तो भी मंत्री साहब का जो है इसमें कोई राइट नहीं था, मंत्री साहब का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं था कि वो उनको इस तरीके की सज़ा देते या उनके साथ हाथापाई करते या जर्दगोब उन्हें करते। पीले राशन कार्ड का जो नाम है, जो सर्वे के मुताबिक जिन लोगों का नाम यादों में नहीं आ रहा है, वो नाम डिलीट किया जा रहा है, ये हमारे भी कोताही है और जो है ये लीडरान की भी कोताही है। यूपी में जो अतीक अहमद और उनके भाई जो है अशरफ, उनका जो कत्ल हुआ वो एक अफसोसनाक वाक्य है। अतीक अहमद और उनके भाई जो है अशरफ के कत्ल से दो दिन पहले जो है यूपी पुलिस ने जो है झांसी में अतीक अहमद के बड़े बेटे असद का भी इनकाउंटर किया। असद जो है वो उमेश पाल हत्याकांड के जो मेन आई विटनेस थे, उसके कत्ल के इल्ज़ाम में जो है यूपी पुलिस को मतलूब थी। जब से उमेश पाल हत्याकांड के जो आई विटनेस का सरेआम जो खून हुआ, मर्डर हुआ, उस दिन से हिंदुस्तान की मीडिया पर सिर्फ एक चीज़ जो है वो चल रही थी कि असद को जो है वो उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और उस मामले में जो है अतीक अहमद की जो बीवी थी शाइस्ता बेगम, उसका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा, जो वो मफरूर है। और खुलेआम मीडिया जो है इस बात को जो दावा कर रहा था कि यार ऐसा जो है उमेश पाल हत्याकांड के आई विटनेस के मामले में जितने भी उस हत्याकांड में मुलव्वस है तमाम लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखिए, जुर्म करने वाले को कभी हम जो है वो हिम्मत अफजाई नहीं करते, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, उसको जो है एंटरटेन नहीं करते। जुर्म जुर्म है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना एक संविधान है, अपना एक कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान की अपना एक जुडिशियल प्रोसेस है। इस जुडिशियल प्रोसेस में जो भी हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कसूरवार ठहराया जाता है उसे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सज़ा दी जाती है। हम जो है आज फैसले जो है बंदूक की नोक पर नहीं कर सकते, ये हिंदुस्तान के जो रूह है वो हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान का दस्तूर है, जिसने हर एक को आज़ादी दी है कि वो इस कानून की रूह से, इस आईन की रूह से अपनी बात रख सके। और वो एक जुडिशियल प्रोसेस, एक कानूनी जो है प्रोसेस से गुज़र कर वो अपने कैफरे किरदार तक के पहुँचे। अगर इस तरीके से अगर फैसले होने लग जाए, इस तरीके से अगर मुजरिमों को उनकी सज़ा दी जाए, तो फिर इस कानून से, हिंदुस्तान के इस कानून से जिसमें सबको हक़ आज़ादी है, उससे लोगों का भरोसा और एतमाद उड़ जाएगा। हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं उस पर से लोगों का यकीन उड़ जाएगा। हिंदुस्तान की जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, उस पर से जो है वो लोगों का यकीन उठ जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी फैसला बंदूक की नोक पर नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी राज चल रहा है, मैं उसको हिंदुस्तान के कानून का राज नहीं हम कहते, वहां पर योगी राज चल रहा है, जो योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं, वो वही कानून है। वहाँ पर फिर कोई दूसरा कानून नहीं है। हिंदुस्तान के पंचायत में खड़े होकर ये कहा जाता है कि हम जो है मुजरिमों को मिट्टी में मिला देंगे।
याद रखो, हम किसी मुजरिम के साथ नहीं है या किसी मुजरिम की हिम्मत और हौसला अफजाई नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस देश का कानून सर्वश्रेष्ठ रहे, इस देश का कानून की बालादस्ती कायम रहे, इस देश के कानून की इज्जत अजमत कायम रहे, लोगों का भरोसा जो है इस देश के कानून पर कायम रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं, गुनहगार कोई भी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अशरफ हो, चाहे असद हो, उन्हें हर कोई को ये हक हासिल है कि वो हिंदुस्तान के जो है वो कानूनी प्रोसेस से गुजर सके। इस तरीके से अगर आप किसी को सज़ा देंगे तो ये तरीक़ाकार सही नहीं है। हिंदुस्तान जो है ये सब का देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं का भी देश है, हिंदुस्तान मुसलमानों का भी देश है, हिंदुस्तान जो है क्रिश्चियंस का भी देश है, बौद्धिस्ट का भी देश है, हिंदुस्तान हर मज़हब के मानने वालों का देश है। लोगों में एहसास इस बात का नहीं पैदा ना होना चाहिए कि इस कानून के तहत जो है हमें जो है हमारे हुकूक नहीं मिल रहे। देश में आज बहुत ज़रूरी है कि जो है मुल्क के कानून की बालादस्ती कायम हो। अतीक अहमद गुनहगार थे, अशरफ गुनहगार थे, उनको मारने वाले भी उतने ही गुनहगार है जितने के अतीक अहमद और ये थे। अब देखना ये है कि जिस तरीके से एक समाज को उत्तर प्रदेश में टारगेट करके अगर वो किसी जुर्म में या किसी कसूर में मुलव्वस हो रहे थे, जिस तरीके से बुलडोज़र और जिस तरीके से पुलिस की गोलियां उनका मुकद्दर बनी है, क्या अतीक अहमद के कातिलों का भी मुकद्दर उनके घरों पर बुलडोज़र चलना बनेगा? क्या अतीक अहमद के कातिलों को भी सरेआम जो है इस तरीके की सज़ा दी जाएगी? क्या पसे पर्दा जिन लोगों का हाथ है उन्हें भी उनके कैफर किरदार पर इसी तरीके से पहुंचाया जाएगा? आज हिंदुस्तान की आवाम को देखना है। आज देश में बड़े लोगों को जो है कानून से एग्जम्पशन मिल रहा है, और जो छोटे लोग हैं या बिलखुसूस जो अकलियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके साथ जुल्म और इस्तेबदाद हो रहा है। इससे जो देश का बैलेंस है, जो देश की जो इत्तेदाल है, वो बात बिगाड़ने का चाहे काम। उत्तर प्रदेश की हो, बात चाहे महाराष्ट्र की हो, बात चाहे मालेगांव शहर की हो, चाहे छोटे कस्बे की हो, बात चाहे किसी देहात की हो, हर जगह बात सिर्फ देश का अपना एक कानून है, देश का अपना संविधान है। हर कोई के साथ जो है चाहे वो किसी जुर्म में मुलव्वस हो, किसी कसूर में मुलव्वस हो, उसे इस मुल्क के देश का कानून फैसला करे। कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी बड़ी सियासी शख्सियत, कोई भी देश का बड़ा आदमी इस देश के कानून से बड़ा नहीं है, इस देश के आईन से बड़ा नहीं है। हर कोई इस आईन के तले है, हर कोई इस आईन के मातहत है, हर कोई को जो है इस कानून की, इस कायदे की पासदारी करना चाहिए। अब आम रुझान ये बनता जा रहा है कि हर कोई जो है फैसला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाह रहा है। ये एक बहुत तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर वो गौवंश के जानवर किसी गलत मकसद के लिए जा रहे थे तो भी मंत्री साहब का जो है इसमें कोई राइट नहीं था, मंत्री साहब का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं था कि वो उनको इस तरीके की सज़ा देते या उनके साथ हाथापाई करते या जरदगोब उन्हें करते। मंत्री साहब जो है जो है ज़िले के गार्डियन मिनिस्टर है, पालक मंत्री है, और वो हर एक के पालक मंत्री है। वो हिंदुओं के भी पालक मंत्री है, मुसलमानों के भी पालक मंत्री है, सही के भी पालक मंत्री है, गलत के भी पालक मंत्री है, और वो एक पालक मंत्री जो है एक कानून के दायरे में है। तो मंत्री साहब को जो है वो कानून का पास और लिहाज करना चाहिए। उन्हें इस शहर की फिज़ा का, खुशगवार फिज़ा का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। ये शहर भी उनका है, ये शहर के लोग भी उनके हैं। ऐसा कोई गैर कानूनी काम मंत्री साहब की जानिब से नहीं होना चाहिए कि शहरियान में जो है ये अदम तहफ़ुज़ का एहसास जो है वो शहरियान में पैदा पीले हो। राशन कार्ड का जो नाम है, जो सर्वे के मुताबिक जिन लोगों का नाम यादी में नहीं आ रहा है वो नाम डिलीट किया जा रहा है, ये हमारे भी कोताही है और जो है ये लीडरान की भी कोताही है।
कि जब इस तरीके की सर्वे सर्वे किया जाता है और इस तरीके की यादें तैयार की जाती है, तो वो आम लोगों में इस तरीके का रुझान पैदा करना चाहिए या अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि इस तरीके के सर्वे या ये तरीके की जो है यादें तैयार हो रही है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। रही बात नुमाइंदगी की, तो शहर के जो बड़े जिम्मेदारान और नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हम भी ईद के बाद जो है प्रधान साहब से और जो है दीगर जिम्मेदारों से मिलकर इस तरफ के जो लोगों के नाम पहले से पीले पीले राशन कार्ड की यादी में और पहले से पीले राशन कार्ड में थे, उन लोगों के नाम आप कंटिन्यू करें, और जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलता आ रहा है और जो पहले से ही जो दारिद्र्य रेखा के नीचे बिलो पावर्टी लाइन के पीछे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों का जो पहली लिस्ट में है उन्हें कंटिन्यू रखा जाए। मिलेंगे ब्लेजर, जैकेट, वैवाहिक कपड़े, कुर्ता पजामा, हुडी, स्वेटर, जीन्स, ट्राउजर, लोअर, शर्ट, टी शर्ट, गर्ल्स जीन्स, गर्ल्स टॉप, मेंस फॉर गर्ल्स, मेंस वियर, गर्ल्स वियर, चिल्ड्रन वियर, एक ही छत के नीचे किफायती दाम पर मिलते हैं।